बहुत से पेशेंट्स मेरे से आके ये पूछते हैं कि मैम हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ओवुलेशन यानी कि एग रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ओवुलेशन के टाइम के अराउंड आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जो आप अगर केयरफुली नोट करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। ओवुलेशन के टाइम जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है यानी कि जो डिस्चार्ज होता है आपको वजाइनली वो क्लियर एंड स्लिपरी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाती है। आपका बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा रेज हो जाता है 0.5 to 1 degree आपका बॉडी का टेम्परेचर आपको अपनी बॉडी गर्म फील हो सकती है। दूसरा है कि आपको कई बार ब्रेस्ट में पेन हो सकती है या आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होती है। जब एग रिलीज होने वाला होता है तो आपके लोअर एब्डोमेन में स्लाइट डिस्कम्फर्ट या पेन या हैवीनेस फील हो सकती है। ओवुलेशन से पहले जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसका जो दर है वो बढ़ जाता है। उसको जो बाजार में ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट्स आती हैं वो आप अगर यूज करेंगे अगर उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी ओवुलेशन होने वाली है तो 12 से 36 घंटे के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम के बाद आपकी ओवुलेशन हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यूअसली 2-3 महीने अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करते हैं अपने ओवुलेशन साइंस नोट करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है अपना ओवुलेटरी पीरियड पता करने में जिससे कि आपको कंसेप्शन में या प्रेगनेंसी होने में हेल्प मिल सकती है। इसके लिए और आपको अगर फर्दर जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं।